नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। मैं हूं अमृत सेन और आप देख रहे हैं मन की आवाज़ न्यूज़। हम हैं मालीपुरा में और आप देख सकते हैं कितनी गंदगी पड़ी है मालीपुरा में और सड़क पर गंदी नाली का पानी जमा है। हालांकि आज सफाई शुरू हुई है और सफाई वाले सफाई कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण है, क्या नाम है भाई आपका? अंशाराम जी। अंशाराम जी, कितने दिनों से ये गंदगी पड़ी और कितने दिन से सफाई नहीं हुई थी? अभी 6-7 महीने से नहीं हुई है सफाई। अच्छा, आज पहली बार हो रही है सफाई? पहली बार हो रही है। हमारे साथ में एक और ग्रामीण है, क्या नाम है आपका? भीखाराम जी, ये बताइए, ये जो गंदगी पड़ी और सफाई नहीं हो रही, तो आपने शिकायत की थी क्या सरपंच को? कई बार शिकायत। तो आपके सरपंच की तरफ से क्या जवाब आया? बोलते करवा देंगे। तो आज आप खुश हैं कि सफाई शुरू हुई है? खुश है, मगर ये पानी जब तक नहीं निकलेगा। नहीं, ये नाली का पानी है, बरसात का पानी? नाली का पानी है। तो यहाँ पे ढलान है, किस तरह से इसको रिपेयरिंग के लिए क्या कुछ आपने कभी किया, एप्लीकेशन वगैरह दी, शिकायत की आपने? हाँ, ठीक। ये देखिए, गंदगी इस तरफ से ये, और ये नाली का पानी आ रहा है। पहली बार नाली चौकअप थी वो खोली जा रही है। हालांकि यहाँ से आप देख सकते हैं ये नालियाँ पैक है और ये आगे से नाली, और अभी सफाई शुरू हुई है और खोली जा रही है नाली। नाली खोल रहे हैं और ये सफाई कर्मी है। आप रेगुलर सफाई करते हैं? देखिए, सफाई कर्मी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की शिकायत है कि बड़े लंबे समय के बाद हो रही सफाई। ये देखिए, यहाँ भी ये पुराना हेडपम्प है, उसके अंदर पानी जा रहा है, उसमें डाल दिया हमने। अच्छा, पुराने हेडपम्प के अंदर। तो ग्रामीणों का कहना कि एक ये जो नाली है, इस नाली की तरफ से पानी आ रहा है, गंदा पानी, और यहाँ पर एक पुराना हेडपम्प है, पानी सारा उसमें जा रहा है। आप देख सकते हैं, अब इसमें इनका कहना है छेद किया हुआ है, लेकिन छेद दिख नहीं रहा है। आपको बता देते हैं। अच्छा, ये आपको दिखा रहे हैं छेद के इस तरफ। अच्छा, ये देखिए, ये हेडपम्प के अंदर छेद किया हुआ है और ये सारा पानी उस हॉल के अंदर जा रहा है, गंदा पानी। बड़ी विडंबना है, सफाई नहीं हो रही और गंदा नाली का पानी हेडपम्प के अंदर जा रहा है। बहुत बड़ी लापरवाही है जलदाय विभाग की और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि आने वाले समय में हेडपम्प अगर शुरू किया जाता है तो उसके अंदर सारा गंदी नाली का पानी होगा। लोगों ने कहा कि हमने शिकायत की थी प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम में, लेकिन जलदाय विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे ही सामाजिक सरोकार की और जनता के हित की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि हमारे वीडियो, हमारी न्यूज़ आपको कैसी लगती है, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन पहुँचती रहे और आप हमारी वीडियो देख सकें और आप हमें सूचना दे सकें आपकी समस्याओं का। हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें प्रिंसिपल हैं छतराराम जी, तो उनसे बात करेंगे। पहले मंडार में थे और अब मालीपुरा में लगे हुए हैं और आप बोल रहे हैं कि प्रशासन आपके द्वार में शिकायत की गई थी, तो कब की थी, किसने की थी, ज़रा बताएंगे सर? ये तो यहाँ के भवरजी मेला की माली है, उन्होंने ये प्रशासन गाँव के संग जो राहत कैंप हुआ था उसमें ये बात जलदाय विभाग को बताई दी थी उन्होंने। जलदाय विभाग की तरफ से क्या रिएक्शन? विभाग से बोल रहे थे कि हमने टीम भेज दी है, पता नहीं उन्होंने इसका सर्वे किया या नहीं किया। नहीं, यथास्थिति अभी और अभी प्रेजेंट में तो बता रहे हैं कि उसके अंदर हॉल है, गंदा पानी जा रहा है। वो तो आपने खुद देखा हमने, तो इसका मतलब जलदाय विभाग ने अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया है शिकायत करने के बावजूद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे।